आज के हम इस वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। इसके लिए तीन मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड मेथड, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर आपको बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो आपको। ट्यूशन मेथड, तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 14, और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि इसमें आपको दो वेरिएबल्स दिए होंगे, जैसे कि एक एक्स है और एक वाई है। तो ये इसका मतलब हो गया टू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन है यानी कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, वन है। यानी कि एक्स का हाईएस्ट पावर वन है और वाई का भी हाईएस्ट पावर वन है, यानी कि इसका डिग्री वन है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशंस। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारा x + y = 14, और दूसरा है x - y = 4। तो इसके लिए हम लोग को पहले दोनों में से किसी एक इक्वेशंस को पिक करना होता है। आप फर्स्ट को भी ले सकते हैं और सेकेंड को भी ले सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट को लेकर सॉल्व करते हैं, x - y = 14। अब क्या करना होता है, हमें एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू निकालना होता है। तो हम लिखते हैं x = लिखेंगे तो 14 - y। अब y लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि y लिखेंगे तो 14 - x हो जाएगा, तो हम x को लिए। इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करना है, इसका वैल्यू, थर्ड का वैल्यू अगर हम 1 को लेकर चले हैं तो 2 में पुट करना है, और 2 को लेकर चले हैं तो 1 में। तो हम लोग लिए थे इक्वेशन 1, तो इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड क्यों लिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेके चले थे, इसीलिए इसका वैल्यू सेकेंड में बैठाएंगे, क्योंकि x - y = 4। तो x का वैल्यू क्या है, 14 - y - y = 4। तो कितना हो जाएगा, 14 - y - y - 2y = 4। तो 14 - 4 = ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया, 14 में से 4 गया, तो ये 10 = 2y। तो 2 × 5 = 10, तो y का वैल्यू आ गया 5। अब इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये क्या, x = 14 - y। तो x = 14 - देखिए y का वैल्यू कितना था, 5, तो यहाँ हम लोग -5, तो x का वैल्यू आ गया, 14 में से 5 गया तो ये हो गया 9। तो x और y का वैल्यू हमको मिल गया। अब इसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको चेक करना है तो किसी एक इक्वेशन 1 या 2 में से किसी को भी LHS साइड बैठा के RHS अगर आ गया तो हम लोग का इक्वेशन सही है। जैसे कि x + y = 14 है, तो x और y का वैल्यू पुट करके अगर हमारा 14 आ गया तो हम लोग का आंसर सही है, जैसे कि 9 + 5 = 14। तो ये हमारा 14 आ गया, यानी कि हमारा आंसर है सो राइट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।